एज होगी साइकिल रेस। अभी देखो कितना मजा आ रहा है। बाप दिया। पकड़ो मुझे, पकड़ लो, आओ आओ। क्या हुआ बोचान? भागो यहाँ से, ये हमारा पार्क है, तुम यहाँ नहीं खेल सकते, यहाँ पर सिर्फ हम ही खेलेंगे, भागो यहाँ से। क्या ये तो सबको भगा रहे हैं? तुम दोनों ने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? ये हमारा पार्क है और इस जगह पर सिर्फ हम ही खेलेंगे। लेकिन इस पार्क में तो कोई भी बच्चा आकर खेल सकता है। अच्छा, अब बोलो तुम क्या कह रहे थे? बोचान मेरी मदद करो। लेकिन कैसे? वो तुम्हारी क्या मदद करेगा, हम लोगों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हे लड़की सुनो, तुम कौन हो? मैं एक मक्खी हूँ। तुमने इसे पकड़ के रखा है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? बताओ। ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं भला, तुम जल्दी से इस पार्क को खाली कर दो, समझे? ये लोग हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं शिनचैन। तो ये बात है मसाओ। ओके भाई, हम फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। शिनचैन हमारी मदद करो। लेकिन मसाओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? अरे मुझे ये तो बताओ मसाओ कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आखिर क्या करूँ? तुम इस पार्क में साइकिल बिल्कुल नहीं चला सकते, समझे? तो हम क्या खेलेंगे? छुपा छुपी। छुपा छुपी का आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो टॉस करके हम लोग इसका फैसला करते हैं। देखो मैं तुम लोगों के साथ छुपा छुपी बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता। तो फिर खेलना क्या है, घर घर खेलना है या खो खो? मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं खेल सकता, समझे? ओ लीडर, ये तो हमारे ग्रुप का लीडर है। तो तुम्हें पता चल गया ना मैं कौन हूँ? ये तुम्हारे बाले को क्या हुआ बोलो? हे, हमारा लीडर बहुत ही गुस्से वाला है। मसाओ तभी तो इसकी बाल ऐसे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो अभी तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप इस पार्क को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? देखो दोस्त, मेरे हाथ में क्या है, ये तुम्हें बहुत पसंद आया ना, बोलो। अरे वाह, अच्छा है। हाँ। तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो, लीडर कुछ कहना चाहते हैं, सुनो। तो जल्दी बोलो, हम बहुत बिजी हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। सच्ची, थैंक यू, मुझे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मौका कोई खाने की चीज नहीं होती। तो फिर क्या होती है? मेरा मतलब था कि अब हम लोग हार और जीत से फैसला करेंगे। समझा अंकल, सुनिए प्लीज मुझे एक टॉफी तो देना। शुक्रिया सर, बताइए आप कौन सी लेंगे, स्ट्रॉबेरी या लेमन? मैं इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था, समझे? अच्छा, मुझे लगा कि तुम मुझसे एक टॉफी के बारे में बात कर रहे हो। लगता है लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें तो पता ही है ना, अगर लीडर को एक बार गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम लोग जल्दी से यहाँ पर एक लाइन खींचो। लीडर, अब आप रेस शुरू कर सकते हैं। अब सुनो, अगर तुम पार्क का पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पहले पहुँच गए तो तुम जीते। तो तुम रेस के बारे में बात कर रहे थे। सुनो शिनचैन, ऑल द बेस्ट। गुड लक। तुम देखना, आज हमें एक बहुत ही अच्छी रेस देखने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, रेस शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे आखिर तुम ये कर क्या रहे हो शिनचैन? रेडी स्टेडी गो। ऑल द बेस्ट लीडर। शिनचैन तुम मुझे नहीं हरा सकते।
ये रेस मैं ही जीतूंगा। हाँ, लीडर आप ही जीतेंगे। तुम लोगों को शायद पता नहीं, हमारे लीडर जब साइकिल चलाते हैं तो उनसे कोई आगे नहीं निकल पाता। बहुत बढ़िया शिनचैन, हारना मत। चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। अरे ये क्या, शिनचैन को भी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं और यही वजह है कि वो फिसलने से बच गया। अब क्या होगा? तुम मेरे पीछे तो आ रहे हो शिनचैन, पर तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। अब देखो मेरा कमाल। हे अरे नहीं, ये क्या हो गया? लीडर को तो अब तक आ जाना चाहिए था। जीत गए। आपने तो कमाल कर दिया लीडर। आप जीत गए। मैं जानता था। शिनचैन कहाँ चला गया? अरे नहीं, वो तो साइकिल को बाइक की तरह चला रहा है। मैं हार गया। आज हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना। हैरी, शिनचैन, नाश्ता तैयार है। ये क्या है, ये कैसा नाश्ता है? नाश्ते में तो कुछ बढ़िया होना चाहिए ना मित्सी। मॉम प्लीज मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम दीजिए ना। अरे आप दोनों भूल गए क्या, आज हमें कहीं जाना था। हमें जाना था? अच्छा अच्छा, याद आया, आज हम लोगों को वहाँ जाना था। हाँ वहाँ जाना था, पर कहाँ जाना था? सुनो, अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो भी ये समझ जाना चाहिए कि आज हम लोग खाना बाहर खाने जाने वाले थे। आप दोनों भूल गए क्या? क्या कहीं वो खाना हमें खा गया तो? पता नहीं वहाँ क्या होगा। चिंता मत करो बेटा, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का खाना बहुत बढ़िया होगा। शिनचैन ये देखो, हम जहाँ जा रहे हैं ना आज, वहाँ खाने को बहुत कुछ है, तुम जो चाहो खा सकते हो। हमें वहाँ ये सब खाने को मिलेगा। मैं तो बहुत खाऊंगा। उम्मीद है ये वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करेगा। आज हमें बाहर खाना खाना है ना, तो हमें कुछ हल्का खाना खाना चाहिए, इसलिए मैंने लंच में भी कुछ नहीं बनाया है। क्या लंच नहीं बनाया? चोको चिप्स तो मिलेंगे ना। नहीं तुम्हें चोको चिप्स नहीं मिलेंगे, वैसे भी हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम घर से ही पेट भर के जाएंगे तो हम वहाँ खाएंगे क्या बेटा? हाँ सब तैयार है, तो फिर चले हम सब खाना खाने। पेट में चूहे घूम रहे हैं। हैरी आपके कपड़े ढीले लग रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो। शिनचैन तुम्हारे कपड़े भी ढीले लग रहे हैं। देखो बेटा मैं बताती हूँ, इसे ऊपर कर लो, इसे पहनने का यही सही तरीका है। तो ठीक है, हम सब लोगों की ड्रेस बिल्कुल सही है, अब हम खाना खाने रेस्टोरेंट जा सकते हैं। चलो अब चलते हैं। मैम देखो कितना टेस्टी टेस्टी खाना है, चलो खाएं। ठहरो जरा रुक जाओ, पहले हम बैठ तो जाएं। जी हाँ, तो खाने से पहले आप क्या कुछ पीना चाहेंगे? जी नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए पहले। जी जैसा आप ठीक समझे। हैरी आपने शिनचैन के लिए जूस ऑर्डर क्यों नहीं किया? अरे जूस ये घर में भी पी सकता है, जरा देखो यहाँ पर इनके जूस कितने महंगे हैं। ये एक बहुत ही महंगी जगह है वाकई। शुक्र है हैरी, आपने मेन्यू कार्ड पहले ही देख लिया। मैंने अपनी तेज नजर का इस्तेमाल करके फैसला किया कि हमें फालतू पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। हैरी मुझे लगता है हमें जल्दी से जाकर खाना ले लेना चाहिए। अरे ठहरो, तुम लोग हमेशा जल्दबाजी करते हो और चीजें खराब करते हो, इससे सब गड़बड़ हो जाता है। मेरे पास एक ऐसी तरकीब भी है जिससे हम महंगी चीजें खा सकते हैं, जैसे कि अच्छा सा भुना हुआ पनीर, वेजिटेबल कटलेट या फिर असली स्पेशल जामुन की सब्जी। क्या ख्याल है? टेस्टी ख्याल है, लेकिन वो है कहाँ? वो डिश अभी तो यहाँ नहीं दिख रही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत टेस्टी होगी। जैसे ही जामुन की सब्जी आए शुरू हो जाना। मैं समझ गई हैरी, डैड मैं भी समझ गया। तो मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, पर हम किसके लिए तैयार हैं? अभी बताया तो था। अच्छा ठीक है मॉम।
मित्सुई शिनचैन को देखकर मुझे लग रहा है कि इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाना आने वाला है। ठीक है, एक बार डिश आ जाए तो ये सब समझ आएगा। खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, इन्होंने तो बहुत कुछ बनाया है। कुछ डिशेस तो मैं पहली बार टेस्ट करूंगी। आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा हैरी। तुमने तो पूरी प्लेट भर ली मित्सुई, इस तरह से प्लेट भरना अच्छा नहीं लगता है। ध्यान से बेटा। अरे बढ़िया कैच था। देखो ये बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, इसलिए यहाँ पे जरा तमीज से खाना खाओ, समझे? मैं जानती हूँ हैरी। अरे सुनो, जरा उधर देखो। अरे वाह, ये तो जामुन की सब्जी है। मिर्ची, मैं भी आता हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी, बोलिए बोलिए। मिल गई। ये काली काली चीज क्या है डैड? तो क्या आप सचमुच इसे खाने वाले हैं? जामुन की सब्जी खत्म हो गई। लीजिए ये खाइए ना दीदी। नहीं नहीं, रहने दो, आखिर इनकी प्लेट से मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप लीजिए ना, वैसे भी हम लोग को ये सब्जी अक्सर खाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है आज हमने 10 लोगों का खाना खाया है। ये दोनों भिनो, ये डिश भी बहुत अच्छी है, अब पहले से तो खत्म कर लीजिए। वो तो ठीक है मित्सुई, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भूख नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर हम बार बार जाकर खाना लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, जी शुक्रिया। पता नहीं क्यों ये एक बार में एक ही पीस देता है, अगर ये एक बार में 4-5 पीस रख देता तो कितना अच्छा होता। मैं सही कह रही हूँ ना हैरी? मैम, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। और मैं भी थोड़ा सा ले लूँगा। ओ सच में? तो जल्दी से जाओ ना बेटा। सुनिए भैया, मेरी मॉम कह रही है आप एक एक पीस क्यों दे रहे हैं, आप एक ही बार में प्लेट में 10 पीस रख दीजिए ना। आज तो खाने का मजा आ गया, पेट भर गया। हाँ मेरा भी। और हैरी आप बताइए। अरे हाँ, आज तो इतना खा लिया कि अब और बिल्कुल नहीं खा सकते। अगले दिन। अरे मित्सुई, नाश्ते में कितनी देर है? बस बन गया, अभी लाती हूँ। कितना शोर मचा रहे हैं, मैंने कहा ना कि बस मैं अभी ला रही हूँ। कल रात इतना कुछ खाने के बाद भी इनका मन नहीं भरा। कुछ भी कहो, कल का खाना बहुत बढ़िया था, मैं तो भूल ही नहीं।